हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान से हूँ और ये वीडियो में मैम संध्या जी को इसे गुरु दक्षिणा दे रही हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से कोई भी चीज़ इनको भेज नहीं सकती थी। तो ये वीडियो इस चीज़ का सबूत है कि मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने जब इनसे कॉन्टैक्ट किया तो इन्होंने विद इन 2-3 डेज ही मुझसे कॉन्टैक्ट किया, और इवन कि उन्होंने मुझे कॉल की थी और मुझसे पूछा कि आपकी क्या परेशानी है। तो मैंने सारी अपनी प्रॉब्लम्स को बताई कि मैं जिनसे शादी करना चाह रही हूँ वहाँ उनकी फैमिली मेरी शादी के कोई चांसेस नहीं है, तो काइंडली आप मेरी हेल्प करें। तो इन्होंने बहुत सारे उपायस बताए थे मुझे कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। तो मैंने काफ़ी सारे मंत्रास भी किए थे और इन्होंने यही कहा था कि आप पेशेंस रखें, क्योंकि वीडियोज़ में ये बार बार बताती हैं कि कुछ लोगों के जल्दी काम बन जाते हैं, कुछ के लेट हो जाते हैं। तो मेरा एक्चुअली यही था कि मेरे काम ज़रा लेट ही बनते हैं। तो मैं पिछले 1 साल से इनसे जुड़ी हुई हूँ और जब जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आई है मैंने इनको मैसेज किया है, और जैसे ही इनको टाइम मिलता है ये फ़ौरन से मुझे रिप्लाई करती है। मुझे अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही तो मुझे वीडियो भेज देती है, मुझे उपाय भेज देती है। और सच्चा नाइस लेडी, इतनी नाइस है कि कभी भी इन्होंने रूडली बिहेव नहीं करती। अगर मैं कभी पूछूं तो ये नहीं मुझे कहती कि मैंने आपको बहुत सारे उपाय किए, पहले आप वो तो कर लो, ये नहीं कहती। ये मेरी प्रॉब्लम का फ़ौरन से सोल्यूशन देती है, और ये इन्हीं की वजह से है कि मेरी उनसे शादी हो चुकी है। तकरीबन मुझे 1 साल लगा कि उनसे शादी करने के लिए, और मैं आज उनके साथ मतलब हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रही हूँ। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इनकी कि इनकी वजह से मेरी शादी हो चुकी है। और जितने भी लाइफ में मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आएंगे तो मैं इन्हीं से कॉन्टैक्ट करूँगी। तो और मैं सबको ये कहती हूँ कि आप काइंडली इनसे कॉन्टैक्ट करें, इनका चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रॉब्लम्स इनको बताएं ताकि ये आपको सोल्यूशंस दें। ऐसा नहीं है कि ये कोई पैसे ले रही हैं या पेड में सर्विसेज दे रही हैं, नहीं, ये बिल्कुल फ्रीली काम करती हैं। क्योंकि मेरा तो इन्होंने सारा फ्रीली किया है कि मुझे जब जब स्ट्रेस हुआ है, परेशानियां आई हैं, तो इन्होंने मुझे वो स्ट्रेस को रिजॉल्व किया है। तो इतनी अच्छी हैं कि बिल्कुल ही पेशेंट से बात सुनती हैं। ऐसे नहीं है कि फौरन से ये मतलब आपको डिप्रेस कर देंगे, खुद डिप्रेस हो जाए और ये कहें कि नहीं आप ऐसे करो, पहले आप ऐसे करो, ये फौरन से बात सुनती हैं। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद पे बिलीव रखते हुए कि जो आप उपाय खुद कर रहे हैं उस जितना स्ट्रांग कोई नहीं कर सकता। दूसरे जो हैं लोग तांत्रिक हैं या दूसरे लोग जो पेड सर्विसेज दे रहे हैं उनके पीछे ना भागें, क्योंकि वो सिर्फ पैसे लेते हैं और काम करते हैं। और ये मेरी वीडियो मैम संध्या जी को ऐसा गुरु दक्षिणा है और ये थैंकफुल वीडियो है कि उनकी वजह से मेरी लाइफ। जय श्री गणेश जी, हरे महादेव। मैं हूँ जय संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योति शाधात्मी संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, जो मेरे हम उनको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। आज मैं आपको बताऊंगी, पाकिस्तान से एक मैम है, उनका मेरे पास मैसेज आया था लगभग 1 साल पहले, और 1 साल लगभग अक्टूबर के आसपास उन्होंने मुझसे ये कहा था कि वो जिसको प्यार करती है उसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो उसे शादी नहीं कर पा रही हैं। मैंने उनसे बोला कि आप, मैं हिंदू धर्म के हिसाब से आपको जो भी उपाय बता सकती हूँ बताऊंगी, अगर आपको करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो चूंकि वो पाकिस्तान से थे तो हम उनका कोई पूजा पाठ अनुष्ठान का कोई पेमेंट हम यहाँ से नहीं ले सकते थे, हमको कोई स्टोन भी नहीं भेज सकते थे, क्योंकि ट्रांजेक्शन में दिक्कत आ जाती है, पाकिस्तान से यहाँ पेमेंट मंगाने में दिक्कत आती है। मैंने उनको कुछ प्रोसेस बताए थे कि आप ये प्रोसेस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वो कैसे करेंगे। तो मैंने उनसे बोला कि क्या आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, अगर मंदिर है तो हम वहाँ पर आपको पूजा बताते हैं। तो उन्होंने कहा मैडम यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, और अगर जो मंदिर थे भी तो उनको मदरसा बना दिया गया। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा क्या आसपास में कोई ऐसी बरगद या पीपल का पेड़ लगे हैं। कहने लगे कि नहीं, वहाँ दिया बत्ती पूजा पाठ तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि परिवेश अलग है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उसे बोला कि क्या आप अपने घर में पूजा कर सकेंगी। तो उन्होंने कहा कि घर वाले खा जाएंगे। तो मैंने कहा फिर कैसे होगा। फिर उन्होंने कहा कि छत पे कमरा है, मैं वहाँ पे पूजा कर लूंगी। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उनको पूजा बताई, लेकिन होता क्या है कि जब आप पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं, और चूंकि उन्होंने मुझे इसका कोई दक्षिणा वगैरह भी नहीं दी थी, दे ही नहीं सकती थी, ना मुझसे कुछ मंगा सकती थी, ना मुझसे कोई पूजा पाठ करवा सकती थी। तो मैंने उनसे बोला कि चलो ठीक है, एक काम कीजिए, हम सभी के लाइफ में एक बैंक होता है, अच्छे कर्मों का बुरे कर्मों का। हमारे काम किसी के पूजा या पाठ या मंत्र जाप करके तुरंत काम बनता है, किसी के मंत्र पूजा पाठ करने के बाद भी काम नहीं बनता, बहुत टाइम हो जाता है। सब खेल जो है कर्मास का और ब्लेसिंग्स का है।
पास में अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, आपके पास ब्लेसिंग्स इकट्ठी हुई होंगी, तो आपका जो कर्मास का बॉक्स होगा वो ब्लेसिंग से इतना ज्यादा इकट्ठा होता है कि अगर आपने जय श्री गणेश जी भी बोल दिया तो आपका काम खट से होगा। लेकिन इसके उल्टा अगर आप कर्मास के पीछे पड़ते हैं और आपके कर्मास अच्छे नहीं है, आपने किसी का दिल दुखाया हो, पूर्व जन्म में ही दुखाया हो, इस जन्म में आप कहते हैं ना मैंने कुछ नहीं किया गलत, लेकिन पूर्व जन्म में किसी का खराब किया हो, तो कर्मास का बैंक जो है वो डिस्टर्बेंस होता है, तो वो आपको रिजल्ट जल्दी से रिजल्ट नहीं देगा। आप कितनी मेहनत कितनी पूजा पाठ करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, जल्दी नहीं आएगा, तो आप परेशान हो जाओगे, काम क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे बोला कि आपको मैं ये नहीं चाहती कि आप जब पूजा लगाए पाठ करें तो आपका कर्मास का जो बैंक है वो खराब चीजों से भरा पड़ा है, और आप मुझे ये कहें कि मैं कितने दिन से पूजा कर रही हूँ, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, ऐसे मुझे नहीं सुनना है। तो मैंने उनसे बोला कि एक तो आपको जब तक आप ये पूजा करेंगी तब तक आपको रोज आपकी दरगाह और मस्जिद के बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं ना, बैगर्स या मांगने वाले जिसको आप बोलते हैं, उनको कुछ ना कुछ खिलाना है, खिलाना है। एक बात, पशु पक्षी चिड़िया अड़िया जो भी आपको मिल जाए सबको खिलाओगे, ये चीज आप करोगे, और हेल्प करना है लोगों की, और जितनी ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की, दुआएं इकट्ठी करनी है। इसके अलावा आप अपनी जो पांचों समय की नमाज होती है उसको निश्चित रूप से पूरी तरह से आपको पढ़ना है, उसमें गड़बड़ नहीं करनी है। ऐसे करके मैंने उनको कुछ उपाय बताए थे, और जो मेरा अपना भगवान का उपाय था भैरव बाबा का, मैंने उनको कुछ बताया था। ठीक है, तो हुआ क्या, जिस लड़के से शादी करना चाहती थी उन्होंने मुझसे सितंबर के आसपास शायद कॉन्टेक्ट किया था या अक्टूबर में किया था। अब मार्च की 30 तारीख को उस लड़के से उनकी शादी हो गई है। अब दिक्कत ये आ रही है कि शादी तो हो गई है लेकिन उनके जो ससुराल वाले हैं वो थोड़ा पंगा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मदर है, लड़के की जो मदर है, उसको वो लड़की पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी आज मैंने उनका वीडियो ऐड किया है, उन्होंने मुझे, क्योंकि वो कोई पेमेंट वेमेंट नहीं दे सकती थी, तो गुरुदक्षिणा के रूप में उन्होंने मुझे एक वीडियो बना के दिया है, उसको मैं आपको अभी शो करूंगी। दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक मैडम है, उनका नाम योगिता है, और वो जो है मुंबई से है, और उनको उन्होंने मुझे सितंबर के महीने में कॉन्टेक्ट किया था, 4 सितंबर के आसपास। उन्होंने मेरे को बोला था कि वो एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करती है, मुंबई में है, और उनका उठना बैठना जो फिल्म स्टार्स के साथ रहता है, जैसे सलमान है, कटरीना है, और जितने भी है सुशांत सिंह राजपूत वगैरह के जितने भी लोग जो हैं उनके साथ उनका बहुत उठना बैठना है, और उनके जो कलीग्स वगैरह हैं उन सबके परिवार भरे पड़े हैं, लेकिन उनको दुख है क्योंकि पिछले 9 साल से वो बच्चे की प्रतीक्षा कर रही है, उनके बच्चा नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको बोला था 4 सितंबर को, मैंने कहा आप कुंडली रीडिंग करा सकती हैं तो करा लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुंडली रीडिंग का पेमेंट करूंगी। उन्होंने मैंने कुंडली रीडिंग का पेमेंट दिया, हमने उनकी कुंडली रीडिंग करी। कुंडली रीडिंग करने के बाद उनके 6 ग्रह खराब निकले थे। मैंने उनको बोला कि मैं आपकी कुछ पूजा करवाऊंगी और कुछ एक आपको छोटा सा मंत्र दूंगी, आपको सिर्फ वो ही करना है और कुछ नहीं करना है, आपका कंसीव होगा। तो उन्होंने कहा कि कंसीव होगा तो उनको बेटे की इच्छा थी, वो कहने लगी कि मैं चाहती हूँ फर्स्ट टाइम में बेटा अगर हो जाता। मैंने कहा हम संतान दोनों ही बराबर है, लड़का हो या लड़की, हम कोशिश करेंगे आपके बेटा हो जाए। फिर हमने उनकी प्रेयर्स लगाई, भगवान श्री गणपति माँ की कृपा से 17-18 सितंबर के आसपास वो प्रेग्नेंट हो गई, जबकि उन्होंने 4 सितंबर को ही हमसे कॉन्टेक्ट किया था। और बहुत खुशी की बात है, भगवान श्री गणपति माँ इन दोनों ही लड़कियों पे कृपा करें, योगिता पे भी और मेरी पाकिस्तानी फॉलोअर्स पे भी, क्योंकि योगिता का 20 जून को बेटा हुआ है, और उसने मुझे मैसेज किया कि गुरु माँ आप ये बड़ी कृपा रही, और उसने मुझे बोला कि पूरे लेबर पेन के दौरान, क्योंकि लड़का सीजेरियन हुआ है, क्योंकि वो 42 ईयर्स के आसपास, 40 ईयर्स के, 40 साल की हैं, तो वो बहुत खुश थी, और उन्होंने मेरे को बोला कि उनकी माम आपकी कृपा से बेटा हुआ है। और जिस दौरान वो सीजेरियन ऑपरेशन में थी उस दौरान वो मेरा नाम ले रही थी, उन्होंने मुझे बताया, और जैसे ही उनके बेटा हुआ उन्होंने डॉक्टर से फौरन फोन मांगा और सबसे पहले मुझे टेक्स्ट किया, थैंक यू माँ आपकी वजह से मुझे बेटा प्राप्त हुआ। और इसी तरह से वो पाकिस्तानी फॉलोअर्स ने भी मेरे को सबसे पहले मैसेज किया, थैंक यू सो मच माँ आपकी वजह से मुझे शादी हो गई, तो अरशद से मेरी शादी करा दी आपने। तो दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने पाकिस्तानी फॉलोअर जो है मेरी उनका वीडियोस में अटैच किया हुआ है, तो उसको जरूर देखिए, और भगवान श्री गणपति उन्हें से कृपा चाहती हूँ आप सभी के लिए, खुश रहो यार, और प्रेयर्स किया करो, पॉजिटिव रहा करो, जो पॉजिटिव रहते हैं उनके काम जरूर होते हैं। और जो ये दिन गिनते हैं ना, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मेरा काम नहीं हो, मेरा काम नहीं हो, मेरा काम नहीं हो, कड़े जी कसम का काम कभी भी नहीं होगा, दिन गिनना बंद कर दो, क्योंकि आप नहीं जानते आपने कितने बुरे कर्म कर रखे हैं कि आपका ब्लेसिंग्स का पॉइंट भरा हुआ नहीं है। जितने ज्यादा ब्लेसिंग्स का डब्बा भरा होगा, काम खट 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 होता है,
और मैं लाइव बता रही हूँ, एक पॉजिटिव सोल के रूप में रहा करो। लोग जितना भी आपको कोस ले, गाली दे ले, पॉजिटिव रहा करो, रहा करो, रहा करो। जो पॉजिटिव रहते हैं, हाय हाय नहीं करते हैं, दूसरे का बुरा नहीं सोचते हैं। एक मैडम है, पिछले 2 साल से जुड़ी है, भगवान गणेश की कसम उनका काम आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो मुझे एक ही बात बोलती है, कुछ ऐसा करा दो कि मेरी सास का मेरे देवर से, मेरे जेठ से झगड़ा हो जाए, और वो उनका मुंह ना देखे और वो सब कुछ मुझे दे दे, मेरे पति को दे दे। मैंने तब भी कहा था और अब भी उनको कहती हूँ, जब आप किसी का बुरा सोचोगे तो आप ब्लेसिंग्स कहाँ से इकट्ठी कर रहे हो? आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हो? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि कुछ ऐसा कर दो कि मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा पति, मेरी सास सब मुझे प्यार करे, जो मुझे माने, मेरी सास खुशी से मुझे सब कुछ दे दे, उनको उनका हिस्सा मिले और मुझे मेरा पूरा हिस्सा मिले। तो जितना आप नेगेटिव सोचोगे, आपका काम कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आगे मैं वो वीडियो शेयर कर रही हूँ जो पाकिस्तानी जो फॉलोवर है, साथ में माँ कामाख्या का एक कॉन्टेस्ट रखा है मैंने, उसमें कुछ वीडियोज है, उनको देखना है, देख के उसके बारे में पूरा लिखना है, बेल आइकन दबाना है और लाइक करना है वीडियोज को, ठीक है? और उस पर हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी कमेंट करना है, पेपर पे किस वीडियो में क्या क्या बताया वो सब लिख के भेजना है, अगर आपको वो चाहिए। और उसमें सबको कामाख्या माँ का लॉकेट दूंगी जो बना हुआ है दिव्य, उससे अगर चाहिए तो मेहनत कर लो थोड़ी सी। तो आज के लिए मैं आप इतना ही, आपका दिन शुभ है। आगे वो उस वीडियो को जोड़ रहा हूँ।